बोकारो में एक तरफ कोरोना का रफ्तार और उसे रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन के तौर पर कड़े कदम उठाना, लोगों को जागरूक करना, तो दूसरी ओर लोगों की लापरवाही, जहां बोकारो में उपयोग किए हुए पीपीई किट को धड़ल्ले से कहीं भी खुले में सड़क किनारे फेंका जाना संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। इस तरह की लापरवाही बोकारो में लगातार जहां तहां देखने को मिल रही है, जिसे बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने काफी गंभीर माना है और लोगों को ऐसे फेंकने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि इसका डिस्पोजल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि बोकारो के चास के गरगा पुल हो या फिर बोकारो जनरल अस्पताल के समक्ष हो या फिर जिला मुख्यालय के सामने, लोगों की लापरवाही साफ देखी जा रही है। लोगों के द्वारा यूज किया हुआ पीपीई किट फेंका जा रहा है। बोकारो में यूज किए हुए पीपीई किट को इस तरह से लापरवाही से जहां तहां या फिर सार्वजनिक स्थलों पर फेंका जाना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग अब इसको लेकर गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं कि यह कितना घातक साबित हो सकता है। जहां तहां खुले में यूज किए हुए पीपीई किट फेंका, लोग पीपीई किट वह फेंक जहां मन तहां फेंक रहा है, इसको डिस्पोजल किस तरह किया जाए सर? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। इसका डिस्पोजल तो जैसे वेस्ट डिस्पोजल होता है, हमारे सदर हॉस्पिटल में बना हुआ है, यहां लाकर इसको उसमें फेंकना चाहिए या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ से किसी भी तरह का प्रदूषण का खतरा न हो, वहाँ एकांत में रख के उसको जलाने की बात है, या फिर वो जो वेस्ट हमारा जाता है बायोलॉजिकल उसमें डाल देना है बैग को लाकर। लेकिन ये लापरवाही जिनके द्वारा भी किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है और उन्हें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि उनके कार्य से लोगों को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए मैं सभी जितने अपने कर्मचारी हैं या जो बाहर के भी हैं, जैसे 108 इनके ड्राइवर अक्सर ये सब यूज करते हैं, तो उन सबों से हमारा अपील होगा कि वो सही जगह पर जाकर उसको डिस्ट्रॉय करें। सर कितना खतरनाक है सर ये बाहर फेंका जाना, सर कितना? ये बिल्कुल ही सही नहीं है, इसलिए कि ये जहाँ तहाँ फेंकने से संक्रमण का खतरा हो सकता है, होगा ही ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जरूर संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसीलिए उन लोगों से मैं फिर एक बार बात करूँगा कि इस तरह का अगर लापरवाही करेंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले पूर्व दिन में सर एक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था कि एम्बुलेंस ड्राइवर खुद वो पीपी की गागा ब्रिज के सामने फेंक रहा है सर। हाँ, ये भी संज्ञान में आया था और उन्हें बताया गया था, लेकिन ये है कि कभी एक ड्राइवर के द्वारा किया जाता है, कभी दूसरे के द्वारा कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा प्रशासन को भी मुश्किल होता है कि ये कौन कहाँ कर रहा है, लोकेट करना और उन्हें लोकेट कर करके चिन्हित करना, ये उस थोड़ी तो कठिनाई आती है। लेकिन जनरल सबों से यह अपील किया गया है कि वो प्रॉपर उसका डिस्पोजल करें। अभी सर कुछ कार्यालय के समय 100 मीटर की दूरी पर पीपी किट भी बहुत सारा फेंका पाया गया है। ये तो वही बात है कि अब अपने कर्तव्य का पालन लोग नहीं करते हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग को बदनामी झेलनी पड़ती है, तो ये तो हमेशा से कहा गया है उन्हें, और इसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो जब सदर हॉस्पिटल आए, बायोलॉजिकल वेस्ट यहाँ पर जमा किया जाता